नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कोलंबिया में क्रैश हुआ विमान, ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा था विमान, 72 यात्री विमान में थे सवार। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 8 छात्र घायल, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। पठानकोट हमले में एनआईए को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मिली मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। हमले में 7 भारतीय सैनिक हुए थे शहीद। सीरिया में इजरायली विमानों ने आईएस के ठिकानों पर की भीषण बमबारी, विमानों ने 1 टन के 10 बम गिराए, वायुसेना ने की पुष्टि। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को दी चेतावनी, कहा क्यूबा अमेरिका से संबंध सुधारे वरना व्यापार और पर्यटन समझौते कर दिए जाएंगे रद्द। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के निधन पर मनाया जा रहा है शोक। 5वें परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का करेगी फैसला, मैन को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान कराने का किया फैसला। और तुर्की में जारी रहेगा आपातकाल, तख्तापलट के असफल प्रयासों के बाद से लगा हुआ है आपातकाल, राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने आपातकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।